Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from CodeLove, and in this playlist of Python programming, we are going to solve the next problem, that is Fibonacci series. Okay, so first of all, what is Fibonacci series? So simple, क्या है Fibonacci series? है क्या आपके पास पहली दो वैल्यू है 1 और 1, और जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाली है वो पीछे वाले का सम होना चाहिए, यानी कि 1 1, और अगली वैल्यू 2 आने वाली है क्योंकि इन दोनों का सम 2 होता है। अब यहाँ पे आपके पास 2 आ गया और 1 आ गया, तो अगली वैल्यू क्या आएगी? 3, उसके बाद 5, 5 के बाद 5 प्लस 3 दैट इज 8, यानी कि 1 1, फिर आएगा 2 क्योंकि इसका सम होता है, फिर 2 प्लस 1 3 5, फिर 8 8। अब नेक्स्ट बता सकते हो आप क्या आएगा? 5 5 10 और 13, तो इट्स 13। नेक्स्ट इज आपको 21 क्योंकि इसका सम 13 प्लस 8 इज 21, नहीं? ओके, तो ऐसे सीरीज चलती जाती है। आपको ये प्रिंट करना है, कब तक प्रिंट कर सकते हो? तो दैट इज द मतलब कि एक हमें एक नंबर लेना पड़ेगा यूजर से कि आपको तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू नो हाउ टू कोड, पॉज द वीडियो एंड डन इट बाय योरसेल्फ। इफ यू हैव नॉट एबल टू डन, देन सी आवर सॉल्यूशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एक n लूंगा जहां तक आपको प्रिंट करवाना है फिबोनाची की सीरीज को। तो मैंने इंटीजर में n लिया, इसके अंदर एक फंक्शन होता है, ये इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन लेते हैं। हमारे इनपुट ले लिया है, मैं इस इनपुट के अंदर एक वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, एंटर एनी नंबर जहां तक आपको प्रिंट करवाना है फिबोनाची की सीरीज को, ठीक है? फिर एक फॉर लूप चलेगा, लेकिन फॉर लूप से पहले आपको एक की एक वेरिएबल लिया मैंने जिसके अंदर 1 कर दिया, और भी एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसकी वैल्यू भी 1 कर दिया, क्योंकि पहले दो वैल्यू फिक्स होती है। फॉर लिखिएगा, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज। अब इसका क्या है कि हम ये तो बस सिंपल सा है कि आपको एन तक चलाना और हर बार एक ही इंक्रीमेंट होगा, इसका कोई रोल नहीं है ज़्यादा, बस ये लूप है जो बार बार चीज रन करेगा। अब तीसरे वाले सम में क्या होगा, आपके पास ए और बी की वैल्यू क्या होगा, आपके पास प्रिंट हो जाएगा, PRINT, प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट किया मैंने? ए प्लस बी को, ठीक है? यहाँ पे प्रिंट हुआ वैल्यू, डन। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर दी, अब क्या कर रहे हो, जो बी है उसके अंदर ए जाएगा, और ए है उसके अंदर जो एक नई वैल्यू आई है, जो बी है उसके अंदर नई वैल्यू आएगी, और जो ए है, पहले बात तो सुनो, ए है उसके अंदर कर दो बी, सिंपल। अब रह गया बी, बी के अंदर क्या होगा, जो अब नई वैल्यू आई है, और नई वैल्यू क्या आई है, बी इक्वल्स टू के अंदर। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या हाँ होगा, बी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो एक नई वैल्यू आई है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नई वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पर गया, यहाँ पे सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ एक सी, या सी यहीं पे कर सकते हैं हम, सी इक्वल्स टू के अंदर ए प्लस में बी, ओके? एंड व्हाट वी नीड, वी सी इसकी वैल्यू सी कर दो, दैट्स इट। इतना ही है पूरा कोड, बी के अंदर सी हो गया, अब फिर ये चीज बार बार अपडेट होती रहेगी और आपको प्रिंट मिलता रहेगा, ओके? तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। मैं इसको रन करने जा रहा हूँ कंट्रोल एस करके, मैंने इसको रन किया, अब वो कह रहा है एंटर एनी नंबर, मेरे को 5 तक की फिबोनाची की सीरीज चाहिए। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, तो 2 3 5 8, पहले के दो प्रिंट नहीं हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर ही जाओ और प्रिंट कर लो, प्रिंट प्रिंट किया क्या आपने ए, और इसको बंद कर लो, फिर प्रिंट कर लो बी, तो ए और बी पहली प्रिंट हो गया, उसके बाद इसकी वैल्यू अपडेट होती रहेगी। एक और बार आप रन करना चाहो तो रन कर सकते हैं इसको, कंट्रोल एस करके F9 करके। तो मैंने 5 तक की वैल्यू चाहिए, तो 1 1 2 तो हो ही गया, ठीक है, 1 2 तो पहली हो गया। तो आपको एक चीज़ और इसमें देख लेना है कि आपको यहाँ पर 1 2 तो पहली हो गया, उसके बाद आपको n माइनस 2 कर लेना यहाँ पर, तो दो वैल्यू कम बताएगा, एक वैल्यू n माइनस 1 क्योंकि एक वैल्यू पहली हो गया। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक नई चीज़ आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ये आएगा, फिर कॉमा आएगा, फिर इसके बाद एक स्पेस आना चाहिए, और फिर कॉमा आके भी आएगा, ठीक है? अब फिर एक स्पेस चाहिए मुझे। नाउ अब क्या चाहता हूँ मैं कि ये जो नीचे नीचे आ रहा था ना वैल्यू, अब नीचे नीचे ना आके एक लाइन में ऐसे आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है मुझे, बस प्रिंट के आगे यहाँ पर कॉमा लगा के आपको एंड लिखना है, एंड और उसके बाद इक्वल्स टू के अंदर दिस, सिंपल। कंट्रोल एस करेंगे, F9 करेंगे, तो यू कैन सी दैट आपको एक नया रिजल्ट मिलेगा, 1 1, इसके बाद एक स्पेस आया,
उस स्पेस की वजह से कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस गैप हो गया और इनके बीच में फिर गैप नहीं आ पाया। तो यहाँ पे हम स्पेस देंगे, कंट्रोलेस करेंगे और फ्रेंड करेंगे। मैंने 5 एंटर किया, यू कैन सी दैट 111। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंट नया वाला वैल्यू आया है वो उसके साथ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और बार लाइन पे कॉमा करके ई एन डी एंड ठीक है इक्वल टू दिस दिस कंट्रोल एस F9। तो 5 फिर से एंटर किया और इनके सी दैट कि यहाँ पे आपको मिल गया, यहाँ पे एक ज़्यादा एक्स्ट्रा ये वैल्यू एंटर्ड हो गया। तो आप इसके बीच में आप स्पेस को कम कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, दिस इज अ सिंपल, आपको कंट्रोल एस करना है, F9 करना है और 5 करना है। तो यू कैन सी दैट अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक्स है बट दिस कोड इज ईजी। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक करी है मैंने, दिस बहुत सिंपल है। आई होप तो आपने इस वीडियो में कुछ ना सीखा होगा, बस छोटा सा एक मिस्टेक है, मिस्टेक भी नहीं है यहाँ पे, बस आपको यहाँ की स्पेस को कम करना है एंड यू विल गेट सी द सोल्यूशन। ओके, सो आई होप सो, मैं एक बार फिर भी रन कर लेता हूँ आपके सामने ताकि 5 एंटर करते हैं अभी भी। अच्छा, मैं सेव नहीं कर रहा, चिट प्रोग्राम को सेव किए बिना रन कर रहा हूँ मैं, दैट्स वाई ये ऐसा आ रहा था। नाउ इट्स ओके, थोड़ी सी मिस्टेक अभी भी है बट दिस इज द सोल्यूशन। एंड आई होप सो आपने इस वीडियो में कुछ ना सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।